कि ये फिल्म किस तरह रिलीज़ की जाएगी और किस तरह से इसकी रिकवरी मुमकिन होगी, क्योंकि देखा ये जाता है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा बजट की हैवी बजट की फिल्में हैं, अगर आपकी 5 करोड़ की फिल्म है तो आजकल का जो सिनेमा है, आज का सिनेमा जो है उसमें आपकी 50% से भी कम रिकवरी होती है। तो अगर आपकी फिल्म बहुत सुपरहिट जाती है, 10-12 करोड़ कर लेती है, तब जाके आपका कहीं वो पैसा वसूल होता है। लेकिन हमारे शहीद चौधरी असलम साहब पे बनाई गई ये जो फिल्म है और उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया है, तो नो डाउट ये फिल्म एक मुकम्मल शाहकार फिल्म होगी। काश अगर ऐसा होता कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं और इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो अगर नासिर अदीब साहब से लिखवा लिए जाते। नासिर अदीब साहब जो द लेजेंड ऑफ मौलाजट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मेगा बजट फिल्म है जो आने वाली है, ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली है 2021 को, उस फिल्म के राइटर भी वो हैं, उस फिल्म के जो है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, और पुलिस के हवाले से उनकी बहुत गहरी नज़र है। गो के वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन उनकी पूरी गिरफ्त है। तो अगर नासिर अदीब साहब इस फिल्म के अगर राइटर ना होते, इस फिल्म के सिर्फ स्क्रीन प्ले और इस फिल्म के मुकालमे उनसे जो है वो तहरीर कराए जाते, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि ये फिल्म स्क्रीन पर देख के पता चलेगा कि हो सकता है कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा बेहतर लिखा हो, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हों और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले निहायत शानदार हो। चौधरी फिल्म लाज प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं नेहा लाज और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अजीम सज्जाद। अजीम सज्जाद इससे कबल 6989 नामी एक फिल्म बना चुके हैं, और गो के ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म थी और उसके बारे में कहा यह जाता है कि वो अचानक उन्होंने रिलीज़ की और कोई उसकी तैयारी नहीं थी, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं थी, और अचानक उस फिल्म को सिनेमा पर रिलीज़ कर दिया गया। तो ये एक उनकी एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन टेलीविज़न ड्रामों के हवाले से उनकी एक ख़ास शोहरत है और वो एक मियारी ड्रामा जो है वो डायरेक्टर समझे जाते हैं। तो अब वो चौधरी की डायरेक्शन कर रहे हैं, देखते हैं कि अब चौधरी की डायरेक्शन के हवाले से वो किस तरह का काम कर रहे हैं, वो आवाम की नब्स को जो है वो समझ सके हैं या नहीं, ये सब कुछ हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फ़िल्म का टीज़र मैंने भी देखा और नाज़रीन आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए कि फ़िल्म का टीज़र बहुत खूबसूरत है। और फिल्म का टीज़र देखने के बाद लगता यह है कि ये एक मुकम्मल एक्शन फिल्म है और इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें गाने भी शामिल किए गए हैं, और जिस तरह से टीज़र में दिखाया गया है कि एक आइटम सॉन्ग जैसा जो हमें लगता है कि वो शायद आइटम सॉन्ग है, और उस तरह के ये इसमें शायद कई गाने भी शामिल किए गए होंगे। फिल्म की कास्ट में चौधरी असलम साहब से मुशाबहत रखने वाले तारिक असलम साहब, उन्होंने इस फिल्म का मरकज़ी किरदार अदा किया है। इसके अलावा शमून अब्बासी, अरबाज़ खान, आमिर कुरैशी, असफर मानी, ज़ारा आबिद और अदनान टीपू व दीगर ने इस फिल्म में किरदार निगारी का मुजाहरा किया है। सलीम मिराज भी इस फिल्म में एक अच्छे रोल में आपको नज़र आएंगे, और सलीम मिराज आपको नाज़रीन आप जानते हैं कि सलीम मिराज एक बहुत आला जो है वो पाए के एक्टर हैं, और शमून अब्बासी जिस तरह नज़र आ रहे हैं, शमून अब्बासी ने भी इस फिल्म में एक पुलिस अफसर का किरदार अदा किया है। और टीज़र हमें जो है वो टीज़र एक्शन से भरपूर ये टीज़र है। हमारे पड़ोसी मुल्क बॉलीवुड में बनाई गई हैं, बॉलीवुड में दबंग, सिंगम इस तरह की फिल्में बनाई गईं और उन्होंने वहाँ सुपर हिट कामयाबी हासिल की। मुझे जो एक खामी इस फिल्म में नज़र आती है, और हो सकता है कि ये मैं, क्योंकि जब मैं टीज़र देख रहा हूँ तो उसमें मुझे महसूस हो रहा हूँ, लेकिन शायद फिल्म देखने के बाद मुझे आइडिया हो कि हो सकता है कि मेरा जो ये असेसमेंट है, मैंने जो अंदाज़ा लगाया है वो हो सकता है गलत हो, लेकिन
पाकिस्तान में देखा यह गया है कि हमारे यहाँ फेस वैल्यू जो है उसका बड़ा किरदार होता है। अब इस फिल्म में जैसे चौधरी असलम साहब के किरदार में अगर जावेद शेख साहब या शान या नदीम साहब या दीगर कोई ऐसा चेहरा कि जो फेस पे हो और उसको देखने के लिए लोग आ सकें तो शायद ये फिल्म और कमर्शियल हो जाती। इसी तरह आप माजी में देखें कि एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था ख्वाहिश। ख्वाहिश में तमाम जो स्टार्स थे वो चोटी के अदाकार थे, अदाकाराएं थीं, बाबरा शरीफ, नीली और दीगर उसमें जो है वो एक्ट्रेस थीं, लेकिन हीरो मोइनुर रहमान खुद थे और वो इस फिल्म की नाकामी की वजह बने। जहाँ तक म्यूज़िक का ताल्लुक है तो इसमें टीज़र में ज़ाहिर है सारी चीज़ें एक साथ नहीं डाली जा सकती, सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिल्म में अगर म्यूज़िक होगा तो ये कमर्शियल फिल्म कहलाएगी। और इस फिल्म के नाज़रीन मैं बताता चलूं कि जब मैं इस फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी में गया था और वो कराची के एक मुकामी होटल में की गई थी, तो वहाँ पर टेलीविज़न के एक मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब्दुल्ला बादीनी साहब से मुलाकात हुई। अब्दुल्ला बादीनी साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे, लेकिन उसके बाद फिर डायरेक्टर भी चेंज हुए, कई दफ़ा इसकी कुछ कास्ट भी चेंज हुई, फिर कैमरामैन चेंज हुए, तो ये फिल्म डिले होती चली गई। और पाकिस्तान की तारीख में जो डिले फिल्में होती हैं वो अक्सर नाकामी का मुंह देखती हैं, तो लेकिन मैं इसकी जो प्रोड्यूसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इसे फौरी तौर पे मुकम्मल करें और सिनेमा की तरफ लेके आएँ। गो के सिनेमा अभी बंद हैं, लेकिन उनके पास मौका अच्छा है कि अपनी इस फिल्म को मुकम्मल ट्रीटमेंट दें, इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का ख़ास ख्याल रखें, इस फिल्म को एक कमर्शियल फिल्म बनाएं ताकि ये फिल्म आवाम को बेहतर लगे और वो अपने आइडियल जनाब चौधरी असलम साहब को जब वो स्क्रीन पर देखें तो वहाँ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठे। तालियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी जब सिंगल स्क्रीन पे सिनेमा में फिल्में रिलीज़ होती हैं तो वहाँ तालियों से इस्तकबाल किया जाता है, और ये सिंगल स्क्रीन का एक ये खासा है। और जो असल फिल्म बीन हैं वो तालियाँ बजा कर अपने हीरो को खराज तहसीन दिया करते हैं और दिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस फिल्म को एक मुकम्मल कमर्शियल फिल्म होना चाहिए और शमोन अब्बासी व दीगर जो कास्ट है उससे ये लगता है कि ये कुछ कमर्शियल फिल्म ज़रूर हो।